नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नेपाल के तराई इलाके और उत्तर बिहार में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे बिहार की नदियों ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक गंडक में सबसे अधिक बारिश का पानी आ सकता है। दोस्तों, इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि भागलपुर में गंगा के तेज बहाव में पीर 35 से बाखरपुर जाने वाली मुख्य सड़क मुस्तफापुर के पास पुल धस गया है। पुल का एक हिस्सा पूरी तरीके से नीचे आ गया है, जिससे लाखों लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भागलपुर के पीर 35 से बाखरपुर जाने वाली मुख्य सड़क मुस्तफापुर के पास ये पुल शुक्रवार सुबह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे करीब 1 लाख की आबादी प्रभावित हुई। बता दें कि ये पुल दियारा इलाके का है। जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस वक्त पुल पर कम लोग मौजूद थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के मुताबिक यह पुल 2 साल पहले PWD द्वारा बनाया गया था। इस पुल के ध्वस्त होने से पीर 35 में बाखरपुर बाबूपुर पंचायत समेत कई गांवों का संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है, जिसके चलते हाहाकार मच गया है। बता दें कि इस समय बिहार के भागलपुर में गंगा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। यहाँ गंगा नदी बेकाबू होकर चल रही है। बता दें कि इस साल बिहार के अंदर सबसे ज्यादा पुल हादसे हुए हैं। बता दें कि मानसून से पहले भी बिहार में कई पुल टूटे हैं और मानसून के बाद भारी बारिश के चलते भी अब तक 3 से ज़्यादा पुल टूट चुके हैं, जिसके चलते बिहार के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। और इस समय बिहार के 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है, नेपाल भी लगातार पानी छोड़ रहा है, जिसके चलते गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन, इसके अलावा गंगा, ये सभी नदियां बेकाबू होकर चल रही हैं। रात के समय गांव वालों में दहशत मची हुई है। गांव के गांव अब दोस्तों खाली होने लगे हैं। प्रशासन ने भी गांव वालों को स्कूल में शरण दी है। जगह जगह राहत शिविर केंद्र बना दिए हैं, क्योंकि इस समय बिहार के अंदर विनाश लीला देखी जा रही है। आप सभी से विनती है कि रात के समय सावधान रहें, भारी बारिश के चलते बाहर ना निकलें। किस जिले से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, वहाँ का वर्तमान मौसम कैसा है, कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें।